हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हथियार के बारे में अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के जगत में, F1 स्कोर, जिसका भैया बहुत नाम है और बहुत ही बढ़िया काम है जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जानने वाले हैं। देखो जी, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि यार इससे पहले भी तो बहुत हथियार हमने देखे हैं। जब हम मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं तो भैया उसको ठोक पीट के देखते हैं ना कि भैया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बढ़िया है नहीं, कितना गलत जा रहा है कितना सही जा रहा है। उसके लिए हमने पहले ही बहुत हथियार देखे हैं, जैसे कि प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया, कि नहीं वो भी अपने को बताती है कि कितना सही जा रहे हो भैया, तुम्हारा मॉडल कितना सही जा रहा है कितना गलत जा रहा है, एक आइडिया इंट्यूशन दे देता था, सही बात है कि नहीं। लेकिन फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या पहले काम सही नहीं चल रहा था इन हथियारों के थ्रू? कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में नहीं, इसीलिए वहां पे फिर F1 स्कोर आ जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, ऐसी वो कौन सी सिचुएशंस है भैया, ऐसा क्या हो गया कि एक्यूरेसी वहां काम नहीं कर रहा, ये बहुत ही जो ब्रह्मास्त्र, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, ये काम नहीं कर रहा। देखो जी, अगर आप देखेंगे तो क्लासेस जो हमारे रहते हैं हमारे डेटा सेट में, लेट्स कंसिडर हमारे पास दो क्लासेस है, क्लास 1 क्लास 2, है ना। अब ये जो दो क्लासेस हैं, अगर ये इम्बैलेंस्ड हुए तो, कहने का मतलब अगर मेरे पास लेट से डेटा सेट में कंसिडर 100 सैंपल्स आर देयर, 100 रिकॉर्ड्स आर देयर इन माई डेटा सेट, सही बात है। अब उसमें से 90 सैंपल्स जो है, 90 सैंपल्स बहुत हाई होता है, 90 सैंपल्स क्लास 1 को बिलोंग करते हैं एंड बचे हुए 10 सैंपल्स जो है वो क्लास 2 को बिलोंग करता है, अभी से हुआ क्या? आपका क्लास इम्बैलेंस देखो कितना ज़्यादा है, क्लास इम्बैलेंस देखो कितना है, 50-50 नहीं है कि क्लास 1 50 क्लास 2 50, ना ना ना, 90-10 या फिर 95-5, ये तो और भी ज्यादा वर्स्ट केस हो गया, और भी ज्यादा इंबैलेंस हो गया, आप बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे इंबैलेंस सिचुएशन में एक्यूरेसी नाम का जो हथियार है वो इतना कारीगर साबित नहीं हो पाता। लेकिन F1 स्कोर फिर वहां हमारे बचाव के लिए आता है, क्योंकि F1 स्कोर जो है वो ये दोनों हथियारों को कंबाइन करता है, जोड़ता है और फिर वार करता है, और फिर हमें एक बहुत ही जेन्युइन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मॉडल से रिलेटेड जो इवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो आखिरकार F1 स्कोर है क्या? जैसे मैंने बोला इन दोनों को कंबाइन करता है, बिल्कुल जी कंबाइन करता है, हार्मोनिक मीन है इन दोनों का, आप बात समझ पा रहे हैं? F1 स्कोर इज नथिंग बट भैया इन दोनों हथियारों का, इन दोनों भैया आपके जो मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है इन दोनों का भैया वो हार्मोनिक मीन है। एक्चुअल में अगर सिंपल भाषा में बोलूं हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो किस तरीके से हार्मोनिक मीन काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स से 5 आंकड़े 1 2 3 4 5, अगर मुझे इसका रिस्पेक्टिव डेटा का हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या होता है, न्यूमरेटर में भैया टोटल नंबर ऑफ आपके कितने ऑब्जर्वेशंस है 5, वो रखते हैं, और डिनोमिनेटर में हर एक रिस्पेक्टिव डेटा ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल रहता है, यानी कि ये 1 है तो 1/1, ये 2 है तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इसका सम होता है। दिस इज वॉट वी कॉल इट एज अ जनरल आइडिया ऑफ हार्मोनिक मीन क्या होता है। और अब भैया अपन बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि F1 स्कोर क्या होता है, प्रिसीजन रिकॉल का हार्मोनिक मीन, तो वो कैसे निकलता है, F1 स्कोर कैसे निकलता है? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे दो आंकड़े होंगे ना हमारे पास, एक प्रिसीजन एक रिकॉल, तो दो ही हुए, तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ आपका प्रिसीजन प्लस रेसिप्रोकल ऑफ योर रिकॉल, बराबर है, यही आना चाहिए फॉर्मूला। अब इसी को थोड़ा सा आकड़म तिकड़म ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर करेंगे आप वैल्यूज को, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, 2 × प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, बराबर है। और ठीक भैया इसी फॉर्मूले के नीचे मैंने थोड़ा और ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है इन टर्म्स ऑफ टीपी एफपी एफएन, मैंने इस रिस्पेक्टिव F1 स्कोर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये क्या होता है, देखो जी यहीं से आए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही आया, जिसमें हम लोग 4 आंकड़े कंसिडर करते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव, सही बात है, ये आपका प्रिडिक्टेड पॉजिटिव नेगेटिव क्लास और ये आपका एक्चुअल पॉजिटिव नेगेटिव क्लास। बहुत डिटेल में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पहले ही बता दिया, समझा दिया है, ये वाले फंडे भी बड़ी डिटेल में समझा दिए, वीडियोस आपको मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, जरूर एक बार रेफर कीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला फंडा यहाँ पे है, अब यही चीज मैंने सिर्फ यहाँ लिखी, मैंने क्या किया, जो मेरा प्रिसीजन का फॉर्मूला है, दिस इज द प्रिसीजन फॉर्मूला, जो मेरा रिकॉल का फॉर्मूला है, रिकॉल का फॉर्मूला, सिर्फ मैंने इसी में प्रिसीजन एंड रिकॉल का ये फॉर्मूले यहां पे एम्बेड कर दिए, और उसी के बेसिस पे मुझे ये सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो अब दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ अगर ऐसे आंकड़े हैं, लाइक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमारे पास टोटल भैया डेटा सेट में 100 सैंपल्स है, उसमें से ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 50, ट्रू नेगेटिव कितने हैं 10, फॉल्स पॉजिटिव 10,
और फॉल्स नेगेटिव 30। तो अगर आपके पास ये भी आंकड़े हैं तो उनके जरिए भी आप F1 स्कोर कंप्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला फंडा अगर याद नहीं रखना है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो थ्रू द सिंपल प्रोसीजर जैसे कि प्रिसीजन एंड रिकॉल, बिकॉज ये भी आपको कंप्यूट करना पड़ सकता है, इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इट्स बेटर कि आप ये कंप्यूट करके रख लो। तो प्रिसीजन इसी फॉर्मूले में डालो। देखो जी, मैंने डाल दिए यहाँ पे 50 / 50 + 10, तो कितना होता है 50/60, दैट इज 0.83। तो आपका प्रिसीजन क्या आ गया भैया, 0.83। उसी तरीके से रिकॉल क्या होता है, 50/80 ना, कॉमन सेंस, दैट इज 50 / 50 + FN कितना है 30, तो 50/80 हो गया, एंड देयरफॉर 0.62 जो है आपका रिकॉल यहां पे आ चुका है। नाउ यू हैव गॉट प्रिसीजन, नाउ यू हैव गॉट रिकॉल, बराबर। आप क्या करोगे, सिंपल इसी फॉर्मूले में डालो 2 × प्रिसीजन कितना भैया 0.83 इंटू रिकॉल कितना है भैया 0.62 डिवाइडेड बाय 0.83 प्लस 0.62 कितना निकल के आता है, न्यूमरेटर का आंकड़ा कितना निकल के आता है 1.0292 डिवाइडेड बाय जो अपना डिनोमिनेटर है वो कितना निकल के आता है 1.45। एंड फाइनली जो हमें अगर ये डिवाइड करेंगे आप या अभी भी कर रहे होंगे तो यू विल गेट एन फाइनल आंसर ऑफ 0.70 एज योर F1 स्कोर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम बेसिक टिल द कंप्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने F1 स्कोर का आइडिया रख दिया है। तो दोस्तों होपफुली ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था वो बट गई होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।